निर्माण आता जिला विभजित एको राम जिला आवास माने आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले के रक्षाराम क्षेत्र जीवनाथ दिन से चार युगों से पूर्व आकर के एक और पीठ स्थापन किए वैराग्य पीठ। भारत देश में ये पांच पीठ है, आपका जैसे शंकराचार्य के चार पीठ है वैसे पांच पीठ है। ये रंभापुरी चिकमगलूर जिला कर्नाटक, दूसरा उज्जैन मध्य प्रदेश है और तीसरा ये वैराग्य पीठ है, ये सूर्य पीठ है ये आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम और काशी पीठ ज्ञान पीठ। ये चार युगों से पूर्व से आए हुए जंगमन मठ है काशी में, काशी में जंगमन मठ है उसमें पंचपीठ में एक पीठ आता है। ये परंपरा चलती है। हमारा नंबर पुस्तक लिखित रूप से हरिकृष्ण ने 1928 में लिखा गया, उसमें सब नाम है 234 का। अधिकृत तो कितना है भगवान जाने, लेकिन प्रमाणित है राजा टीरी महाराज में प्रमाणित है। भारत देश में सच का तो चार पंचपीठ, चार शंकराचार्य पीठ, जगत गुरु पीठ, अब हजार हो गए बात अलग है, लेकिन मूलतः गद्दी पर आते हैं ये सब साउथ इंडिया से आते हैं। रावल हो या पुजारी, पुजारी का सर्वाधिकार हमारा होता है, ये पुजारी का नियुक्ति हम करते हैं। वो श्रुति जंगम औषध के होते हैं, जो शंकराचार्य में तो ब्राह्मण औषध के थे, परंपरा अभी तक अबाधित है। इस गद्दी का सम्मान स्वयं आदि शंकराचार्य ने किया है, किया है तो परंपरा के जो परिपोषक है तो वो भी उसका सम्मान करते हैं, सम्मान करते, इसीलिए हमें उस समय बोलना पड़ा जो कि परंपरा का खंडन हो रहा था। नहीं, नहीं। कुछ आगे जाके लोग बात कर रहे हैं। आपने पहली बार बोल दिया, हम सब सुन रहे थे, आपने पहली बार ये बाद में दोनों शंकराचार्य बोल दिए, सारा हमको जो सत्तर महाराज ने बोल दिया, महाराज जी सारा उत्तराखंड परंपरा रखेंगे आपके पीछे, और सब MLA 70 में 50 MLA लोगों ने हमको फोन किया परंपरा की रक्षा के लिए। नहीं नहीं वही वो शिव है, समय पर बोलना है, समय पर हुआ इसलिए हमको मरने तक याद रहेगा। तो अभी हम कल यहाँ से मध महेश्वर जाने का सोचा। अच्छी भाई, वो प्रबंध कहाँ रहने का व्यवस्था हुआ है? नहीं वो दिया कर रहे कहीं किया है, उधर की व्यवस्था का सब किए। हाँ वो आप लोगों को नहीं बोलते, यहाँ पर व्यवस्था है, वो लोग बना रहे हैं अपने हाथ से, बना रहे हैं, बना रहे हैं। तो सारी नहीं थी उस समय, उनको बोल दिया पांच बजे बोल दिए छोड़ दे। फिर हमने क्या किया, क्या इसको गए गवर्नर थे चंडीगढ़ शिवराज पाटिल, रात भर चर्चा की परम गए, उन्होंने फोन किया होम मिनिस्टर को सुधीर कुमार, वहाँ गए, वहाँ होने के बाद प्रधानमंत्री से मिले, तब उनको एक लेटर ले आ गए, एक महीना हम जो करते हैं उसी के अनुसार करना, हजारों लोग मर रहे थे परम्परिक, तब हमने जो बोलेंगे वो करते रहे, हेलीकॉप्टर भेज दिया, अनाज भेज दिया, 25-30 हज़ार लोग बच गए। अच्छी और मुझे कष्ट था इस बात का, ये ऐसे गद्दी नस्ल को जो अनादि परंपरा से है और हिमालय में रह के तपस्या रत है, महादेव ने केदारनाथ में उनको अपना प्रमुख स्वरूप माना है, अच्छा, और भगवान आदि शंकराचार्य ने उनको सम्मानित किया है, उनकी व्यवस्था को माना है। तो शंकराचार्य की परंपरा का दावा करने वाले आदि शंकर के ही सम्मानित स्थान को विरोध बातें करना पाप का बात है, जिसको हमारे गुरु ने सम्मान दिया उसको हमें सम्मान ना देंगे तो ये कहाँ पाप है ना? ये तो सत्य को सत्य कहना ही पड़ेगा, सत्य कैसे रुक सकता है? नहीं श्रुति सदा ही रखनी, हटो भवतुं भवतुं सत्य, हट को पट कहने की क्षमता श्रुति में नहीं है, ऐसी बात कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं भगवान जाने, उन्हीं को पता है। ऐसे एक ये है, उन्होंने एक पट खोलते समय हमने बोले विषय हो गया, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं, इस दुनिया में वर्तमान समय में ये अराजकत्व,
वर्तमान समय में धर्म की कितनी क्षति हो रहा है, अभी कुंभ आ रहा है वहाँ पर हम करेंगे। अच्छा, और वो मोदी जी आ गए वहाँ पर मंदिर में, हमने बता दिया ऐसे सभी के परंपरा का आधार पर बता दिया, सब खड़े हो गए कि वो यहाँ भी झगड़ा चलता है क्या, हमसे पूछे वो, हमने बता दिया मोदी साहब बिना झगड़ा का दुनिया में जगह है क्या, हमने पूछ लिया क्या बैठे। फिर उसके बाद उन्होंने एक लेटर दे दिया मोदी साहब, वीर सिंह लिंगायत में विभाग भी कर रहे थे वो राजनीति के लिए, वही है वो क्या लिंग धारण के लिए आयत हुआ है, वीर सिंह शब्द दार्शनिक है, उसी के अनुसार है कि उन्होंने बता दिया, तो तब उन्होंने मान्य रद्द कर दिया कर्नाटक गवर्नमेंट ने दिया होगा, बाद में हमको फोन किया महाराज जी सनातन धर्म का हमने पालन कर लिया, बहुत खुशी हो गई।